नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दिलीप कुमार सिने जगत का वो चमकता सितारा जिसकी रोशनी से रुपहला पर्दा जगमगा उठता था, और आज भले ही देखिए वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ट्रेजेडी किंग, महानायक और लेजेंडरी एक्टर के तौर पर हर किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको ट्रेजेडी किंग और उनकी फिल्मों से जुड़े किस्से नहीं बल्कि 94 साल पुरानी एक ऐसी भविष्यवाणी बताएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जी हाँ, दिलीप कुमार के बचपन से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे जिसे पूरी दुनिया ने सच साबित होते देखा। फकीर द्वारा की गई एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दिलीप कुमार की दादी के सामने की गई। एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसके चलते बचपन में दिलीप कुमार को अपना सिर मुड़वाना पड़ा था। जी हाँ, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। असल में भविष्यवाणियों का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, क्योंकि देखिए आम से खास हर किसी को अपने भविष्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। यूँ तो दिलीप कुमार जी को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की गई हैं, लेकिन बचपन में की गई एक भविष्यवाणी ऐसी है जो हर जगह वायरल हो रही है। दरअसल बचपन में दादी के सामने एक फकीर दिलीप कुमार को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी करके चला गया जिसकी वजह से उन्हें लंबे वक्त तक दुनिया की नज़रों से छुप कर रहना पड़ा। फकीर ने दिलीप कुमार के उज्जवल भविष्य को देखते हुए कहा था, ये बच्चा बहुत मशहूर होने और गैर मामूली ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए पैदा हुआ है, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना और इसे दुनिया की नज़रों से बचा कर रखना। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो इसे वक्त से पहले खो बैठोगी, और अगर तुमने इसे बुरी नज़रों से बचा लिया तो ये बुढ़ापे में भी खूबसूरत दिखेगा। इसे काला टीका लगाकर और इसका चेहरा बिगाड़ कर रखो। बस फिर क्या था, फकीर की यह भविष्यवाणी दादी के दिल और दिमाग में ऐसी बैठी कि भाई उन्होंने लंबे वक्त तक अपने पोते को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा। दुनिया के बुरी नज़रों से अपने पोते को बचाने के लिए दादी ने वो सब कुछ किया जिससे वो सुंदर ना दिखी। सुंदर बाल मुड़वा दिए, रोज़ाना स्कूल जाने से पहले दादी माथे पर एक बड़ा सा काला टीका लगाती थी। अब देखिए ना, स्कूल के बच्चे दिलीप कुमार को देख कर कुछ फुसफुसाते थे और खूब चिढ़ाते भी थे देखे, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली। वैसे फकीर की भविष्यवाणी कितनी सटीक थी आज दुनिया इसकी गवाह है, क्योंकि आखिरी वक्त तक चेहरे पर अल्लाह का नूर सजाए दिलीप कुमार साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार की सफलता और शोहरत की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा में यादगार अभिनय के लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया, यहाँ तक कि उनका नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।